इतने सारे ऑफिसेज है, ओरेकल का ऑफिस है यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी मतलब MNC के सारे ऑफिसेज है यहाँ पे, और हम लोग भी MNC की ही ऑडिट करने आए हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं जब भी आता हूँ ऑडिट के लिए हमेशा कॉफ़ी के लिए मतलब ऐसे ना आगे खोल रखता हूँ ताकि बक्स मिल जाए, इसलिए एक के बाद एक कॉफ़ी, और 2 घंटे में कॉफ़ी चाहिए भाई कंफर्म। यहाँ बैठ के ऑडिट चल रही, सर्वर टेस्टिंग करने में लगा हूँ कल इसके ऊपर। अगर इनकेस आपकी सिक्योर टेस्टिंग के अंदर आपका टूल ना चले तो कैसे अपनी खुद की मेथोलॉजी डेवलप करें और कैसे आप टेस्टिंग करें बिना टूल के, विदाउट टूल के टेस्ट करें। सो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अब हम लोग अपने होटल के लिए निकल रहे हैं। गाइस हमें जो पहुंचना था ऑफिस वो पहुंचा था अराउंड ऑफ 9:00 के आसपास, पर अभी ऑलमोस्ट 10 हो गए, क्योंकि कल वाले जो हमारी ऑडिट का हम लोग वाइंड अप कर रहे थे और क्या क्या रिपोर्टिंग वगैरह करना था वो सब देख रहे थे अभी हम लोग। सो बस आज वो वाली फाइनल करने के बाद दूसरी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज बताएं, कल हमें एक बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मिली है कंपनी ऑडिट के अंदर, तो कैसे हम इस टाइप की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करते हैं वो भी बताएंगे आपको ऑडिट के दौरान, इसलिए कल हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ पे। हाँ। यही सब चीज़ें करते आज रात को भी शायद टाइम लगेगा, बाकी कल फिर फ्री हो जाएंगे। गाइस अभी जो है हम लोग मुंबई के अंदर खड़े हो गए ना, ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में हमारा कैब किधर है, क्योंकि पता नहीं ऑटो वाले भैया जाने का चले गए, बोले कि बाहर ही खड़ा हूँ, पर पता नहीं लोकेशन क्या आ रहा है उनका। बट अभी चलते हैं और ना काफ़ी कुछ पेंडिंग वर्क है भाई, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें करना पड़ रहा है, देखते हैं क्या होता है। अभी नाश्ता तो कुछ भी नहीं करा है, वहीं जाके सब करेंगे। तो अभी हमारी वॉकिंग चल रही होती है ना, भैया को ना लोकेशन मिल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे एक ही नाम से 2-3 चीज़ें हमने बोला उनको रेस्टोरेंट पे आने के लिए, और एक दिन को चेज़ कर रही है कि भैया किधर खड़े हो आप, अभी इधर एड्रेस कर रही है उनको, बता रही है कि ना भाई आपका हॉल पे आना है, ये आप कहाँ चले गए आयुर्वेदिक करने के लिए। फाइनली दीदी को अपना घर वाले भैया मिल गए, चलो बड़ा अंदर बैठते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस की तरफ। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, हरिओम। खाकरा एक गुजराती डिश होती है, बहुत टेस्टी होती है खाकरा, वो खा रहे हैं हम लोग। कैसा लगा खाकरा? एक नंबर भाई, अनुभव। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है, ट्रैवल करते हो खाने के लिए बहुत अच्छा है, टाइम ही नहीं मिला भाई खाना खाने का। और लाइट वेटेड भी होता है ना? यस, और ये ड्राई है, मतलब क्या है, ड्राई रोस्टेड है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग को अभी चेक इन कर लिया यहाँ पे। हाँ। बिल्डिंग में चेक इन करने के लिए भी पूरी पर्ची कटानी पड़ती है हमें यार, पास लेना पड़ता है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, सो इस वजह से सब चीज़ हर जगह हम लोगों को अपनी एंट्री करनी पड़ती है। अभी अंदर आए तो हमें एंट्री करनी पड़ी, अब हम अंदर जाएंगे तो एंट्री होगी, फिर हम ऊपर जाएंगे तो एंट्री होगी, बहुत बार एंट्री है भाई। बादू गाइस कल हमें एक ना क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी मिली थी, और अगर ऑडिट के दौरान कभी भी आपको क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी मिलती है तो पहले तो आपको वेरिफिकेशन प्रॉपर करना पड़ता है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा इंस्टेंटली। और आज हम ऑफिस से हम लोग इसलिए कल हम लोग लेट हो गए थे एक्चुअल में, कि ना भाई हमें वो बग को वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था, और क्लास भी थी तो हमने रात को वहीं से क्लास ली, क्लास थी मेरी तो मैं वहाँ पे क्लास ली थी। yes. और तब ऑडिट कर रहा था। yes. फिर हम लोग निकले तो हमें 11:30 अप्रॉक्स बज गए थे। फैमिली इवेंट चल रहा है, तो सब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आके, सबके पेरेंट्स मतलब सबके ना फैमिली मेंबर्स आएंगे। तो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए, पता चला कि आज ब्रेकफास्ट नहीं होगा क्योंकि लेट हो गए, 11 बज गए तो लेट हो गए। वैसे 9:30 मुझे बात ही स्टार्ट होता है, लेकिन आज कुछ इवेंट होने की वजह से वो लंच जल्दी स्टार्ट कर देंगे। चलो चलो सर, दिन आगे टी ब्रेक लिया कल, ये रिद्धि कॉफी पी रही हूं, मैं भी अपना भी लो, हमने कॉफी पी, मेरी भी कॉफी। तो भाई ऑडिट करने के बाद है ना, मतलब करते करते भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, सो कॉफी पीने आया। सुंदर व्यू है वहाँ पे, देखो जरा कितना सुंदर कैप्चर हो रहा है। सो दिस इज द बेस्ट व्यू आपको दिख रहा होगा, पीछे वाला जो व्यू है बहुत तगड़ा व्यू लग रहा है मेरे, पर तब भी ये बहुत सुंदर है, वो वाला मेन रोड था जहाँ से लोग निकलते थे हमेशा, और एक ग्रीन बिल्डिंग को मेरे देखा करते थे, और यही आज ऑडिट करने आए सर। सो अभी हम लोग ना कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे, और ना एक्चुअली माइंड फ्रेश करने के लिए मतलब पीना पड़ रहा है, ना फिर बक्स नहीं मिल रहा है, हो गया 2 घंटा मुझे तो हो गया, तो मेरे वो तो साइड भी नहीं चल रही यार, टेस्टिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला भी आता है ना जहाँ पे, वो है कैफेटेरिया ही बहुत प्यारा है, जहाँ पे ना खाना खाते हैं उसके अंदर ही साइड में ऐसा व्यू दिख रहा है, ऐसा व्यू होगा पूरा दिख रहा होगा आपको, ये बहुत प्यारा व्यू है जो दिन अभी आपको दिखाया है, ये पूरा हमारे यहाँ से नजर आता है। तो
राउंड अप चलते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं वापस ऑडिट के लिए। बहुत सुंदर पीछे और जितना जैसा जिस चीज़ को हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगे ये चीज़ वो हर जगह मिलती है। दिया चल रहा बस नीचे थोड़ी सी देर के लिए 15 मिनट्स के लिए मैं वॉक के लिए जा रही हूँ क्योंकि बैठे बैठे थक गई। चलो बड़ा चलते हैं। गाइस अभी आपको दिख रहा होगा हम जो आए यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा पानी जो है ना बह रहा है। सो अभी रिद्धि जो है ना ऊपर से वॉक करेगी उसको, रिद्धि बोल रही थी मुझे कि ना रुक रुक के वॉक करते हो, बार बार ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो, इस चक्कर में मैं पास में से जाऊँगी। तो अभी फटाफट हमारा सारा काम हो गया, मतलब एक्चुअली दिख रहा होगा आपको, मतलब टेस्टिंग जो कर रहे हैं ना स्पीड टेस्टिंग करने के लिए हमें ना काफ़ी ना एफर्ट्स रखते हैं, क्योंकि ना पहले तो कनेक्टिविटी का इशू आता है। सो कनेक्टिविटी का इशू हमने काफ़ी टाइम में रिजॉल्व करा, उसके बाद फिर ना बीए करा, फिर उसके बाद पीटी कर रहे हैं अभी। और कई बार होता है कि आपको मैनुअल पीटी करना पड़ता है और मैनुअल वीए भी करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि रीज़न ही होता है कि ना कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अभी हमारे कुछ एप्लीकेशन में प्रॉक्सी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जब प्रॉक्सी सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको डायरेक्टली आप ना सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जब सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, प्रॉक्सी नहीं चलेगा, तो आप ना एपीआई टेस्टिंग कर पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे उस कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन में हमें मैनुअल तरीका निकालने पड़ते हैं, जो हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं और उस मैनुअल तरीके थ्रू करते हैं। और अगर मान लो कोई बड़ी टाइप की वल्नरेबिलिटी अगर आती है, क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी आती है, तो पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पीओसी लेते हैं और डायरेक्टली मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे मिली थी एक बहुत क्रिटिकल लेवल का इशू था, तो हैंड टू हैंड हमने टॉप मैनेजमेंट को इसको ले रिपोर्ट करा और ये चल रही है हमारी 3 दिन की ऑडिट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और ना वैसे तो हमारा टारगेट है कि आज रात में कंप्लीट कर ले 12 बजे तक जग के, पर अगर नहीं होता तो कल भी हाफ डे जाएगा, क्योंकि परसों कल का ट्रेन है हमारा, और नहीं हुआ तो परसों का भी ट्रेन हमने बुक कर लिया इनकेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो भी हम करेंगे। तो रिद्धि पीछे से घूम रही है निकल निकल के, बड़ा पकड़ता हूँ मैं इसको। कौन सा एरिया में घूम रही हो? पता नहीं, बिल्डिंग का शायद दूसरा पार्ट है, दूसरी बिल्डिंग में हम लोग आ गए हैं, पर यहाँ पे बहुत अच्छा है एक्चुअली। सुबह से बैठे बैठे थक गए, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा वॉक करने निकले, अब दोबारा ऊपर जाएंगे और वॉक करेंगे। और दिख रहा होगा मतलब कितना प्यारा वर्किंग एरिया, पता नहीं कितना आ रहा होगा मेरे पीछे का, आपको दिख रहा होगा बहुत प्यारा वर्किंग एरिया, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पूरा कांच लगा रखा है और पीछे बैकग्राउंड में नीचे पानी बह रहा है और सामने आप काम कर रहे हो, मतलब कितना मन लगता होगा भाई यहाँ पे। मतलब यहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है ना बहुत दिखेंगे ना, बहुत यूनिकली डिज़ाइन कर रखा है और अच्छा है भाई। मतलब कि यहाँ पे वृद्धि जो है ना पूरा घूम रही, इतना बड़ा कैंपस है कि हम लोग घूम घूम के परेशान हो गए, इतने सारे ऑफिस है, ओरेकल का ऑफिस है यहाँ पे और भी काफ़ी सारी मतलब MNC के सारे ऑफिस हैं यहाँ पे, और हम लोग भी MNC की ही ऑडिट करने आए हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम रिवील नहीं कर सकता क्लाइंट का, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा है और स्ट्रक्चर तो भाई मतलब माशाल्लाह, अगर आप रात भर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, पेंट्री वेंट्री सब अवेलेबल है। सो अभी रिद्धि आ गई वापस हमारे ब्लॉग के अंदर। सो बेसिकली कंपनी हमें हायर करती ताकि ना उनके जो ऑन साइट प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर सकें, और आपको दिखाओ कि ना हम लोग अलग अलग कंपनीज में आते हैं तो एक्सपोजर मिलता है आपको अलग अलग कंपनी से, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी के लिए आपको टेस्टिंग नहीं करनी, यहाँ पे पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए टेस्टिंग करनी। तो एथिकल हैकर के लिए ये फील्ड जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आपको हर टाइम अगर एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको नई नई कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिलता है, उनके नेटवर्क को समझने का मौका मिलता है, उनके टेक्नोलॉजी का समझने का मौका मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एथिकल हैकर की लाइफ के अंदर। सो और प्लस आपका वर्क स्पेस जो होता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और ना वर्क प्लेस जो रहता है आपका वो अमेजिंग बहुत होता है, क्योंकि और खाना आना जाना रहना खाना पीना पूरा कंपनी पे करती है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग है। मतलब आप नई नई सिटी एक्सप्लोर करो, घूमने का जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम थोड़ा निकल रहे हैं वापस से ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और फिर वापस से टेस्टिंग शुरू करेंगे, क्योंकि 12 बजे तक हमें टेस्टिंग करनी है यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली आज है लंच और डिनर मिले नहीं मिले कन्फर्म नहीं, क्योंकि आज यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है तो इसलिए भी कन्फर्म नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है, अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर बाहर से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, पर यहाँ इतना बड़ा कैंपस है कि यहाँ अंदर आएगा भी नहीं, तो फिर रात में 12 बजे बाद ही खाना पड़ेगा। चले रिद्धि भाई फ़ोन पे फिर निकलते हैं ऊपर। सो अभी हम लोग इवनिंग वॉक के लिए आए हैं, जैसे कि तपन ने बताया होगा। इवनिंग वॉक में बेसिकली इसलिए आए हैं क्योंकि हम सुबह से बैठ के काम कर रहे थे एंड ऑब्वियसली थक जाते हैं, तो थोड़ा सा माइंड चिल आउट हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा वॉक करने आए गए। इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा कैंपस है यहाँ का कंपनी का, कि सब मतलब वॉकिंग के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। तो बस अब हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट में कुछ बग्स मिले हैं, कुछ बग्स और फाइंड आउट करने हैं। कल लास्ट डे है ऑडिट का, वो करके फिर हम लोग निकलेंगे। ये हमारा ऑफिस का मेन गेट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सारी कंपनीज का फ्लैग लगे हुए हैं। पिछवाड़ा नहीं, ये अगवाड़ा है भाई, ये पानी वानी बह रहा है यहाँ से, सीधे हम जाएंगे एंट्री और फिर इस तरफ है ना वो मिलता है, हमें आईडी कार्ड लेना पड़ेगा, फिर ऑफिस से वहाँ चेक इन होता है और फिर वहाँ पे ऊपर जाना पड़ता है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पे। Thank you.
आपकी नवी होगी कॉफी मेरे साथ। मैं जब भी आता हूँ ऑडिट के लिए हमेशा कॉफी कॉफी के लिए मतलब ऐसे है ना आगे खोल रखता हूँ ताकि बक्स मिल जाए, बक्स मिल जाए, इसलिए एक के बाद एक कॉफी और दो घंटे में कॉफी चाहिए भाई कंफर्म है। और लंच? लंच कम से कम करता हूँ, रिद्धि का ज़्यादा रहता है लंच का, और रिद्धि का कॉफी कम रहता है, मेरा कॉफी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बल्कि एक्सेप्शन तौर पर। चल रहा है अभी फ्लॉर जाने हैं हम लोग खाना खाने के लिए और 9 बज गई ऑलमोस्ट, देखते हैं आज मिलता है नहीं मिलता है। नहीं खाना मिल तो जाएगा। अच्छा तो गाइस दिस इज आवर ऑफिस जहाँ पे हम लोग अभी ऑडिट कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको हमारे सामने सिस्टम दे रखा है, दे दो आप उधर बैठी हुई, मेरी और रिद्धि डेस्क अलग अलग है। तो तपन क्या चल रहा है तुम्हारा काम? बस यार ऑडिट चल रही है, रिद्धि डेस्क उस तरफ है और मेरी डेस्क इस तरफ है, दोनों को अलग बिठा रखा है ताकि एक्चुअली वहाँ पर लैंड पोर्ट नहीं है, इस चक्कर में अभी यहाँ बैठ के ऑडिट चल रही है, सर्वर टेस्टिंग करने में लगा हूँ कल इसके ऊपर, प्लॉट करते हैं कंप्लीट और फिर जाते हैं ऊपर खाना खाने के लिए, बहुत भयंकर बोलोगी 9 बजने वाली ना इसलिए। तो अभी कितनी देर बैठने का प्लान है? अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग यहाँ से, मतलब अभी आज तो लंबा जाएगा भाई, 12:30 बजे तक जाएगा कम से कम शायद, हाँ 12:30 तक आज पूरा काम कंप्लीट करके ही जाएंगे। हाँ एक्चुअली 11:30 बजे हम लोग कल लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था, सिर्फ है ना यहाँ पे जो वर्क करते हैं वो थे और बाकी कोई भी नहीं था, पूरा ऑफिस खाली और अभी भी हम ही हैं बस यहाँ पे, बाकी कोई भी नहीं है, तो बस प्राउड ही खाना खाएंगे क्योंकि कल शनिवार भी तो थोड़ा लोग जल्दी चले गए और आज यहाँ फंक्शन भी बहुत बढ़िया था, बढ़िया खाना था यार ऊपर, हम तो देख कर आ गए बस, मतलब बैंड पहन कराओ मेला रहने दो भाई, बैंड वैंड नहीं पहना, हम तो नीचे जाते हैं नीचे घुमा फिरा और फिर हम लोग खा पी करें। तो दिख रहा होगा अभी मैं सर्वर पर टेस्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने काली लिनक्स खोल रखी है मैंने, काली लिनक्स पर टेस्टिंग करते हैं, एक्चुअली मैं लैन कनेक्टिविटी दे रखी क्योंकि यहाँ पे ना अलाउड नहीं है इंटरनेट, साथ में यहाँ पे आईपैड देखा है, कुछ सर्च वर्च करना हो आपको तो यहाँ कर लो, फ़ोन दे रखा है, चार्जिंग केबल है सिस्को के आईपी फोन से, और ये देखो एलईडी क्या तगड़ी लग रही है, पूरे से कव पूरे यहाँ पे सब जगह है, सो इट्स नाइस। तो गाइस दिख रहा होगा हमारे पीछे भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इधर बहुत सा सजावट करा गया है बच्चों के लिए, पूरा फैमिली इवेंट हुआ था फ्राइडे को आज, तो सब अपने मतलब हस्बैंड वाइफ और किड्स को लेकर आए, तो अच्छा लगता है मतलब आप अपने फैमिली में लेकर आओ यहाँ पे दिखाने के लिए हम कहाँ काम कर, चलो डॉट चलते हैं अंदर, रुक जा भाई, और अभी हम जा रहे हैं 11th फ्लोर की, 11th फ्लोर पे यहाँ पे कैफेटेरिया बना हुआ है, वहीं पे हम लोग सब खाना वाना खाते हैं, यहाँ पे लंच भी होता है, ब्रेकफास्ट भी होता है और डिनर भी होता है, एंड वो कैफेटेरिया भी बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाएंगे। हाँ अभी शायद कोई होगा तो दिखाने में सही रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना तो मजा नहीं आता दिखाने, सबको लगता है यार क्या है, कोई टोक दे क्योंकि उसको पता नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट है पूरा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। सो हम फाइनली डिनर के लिए आए हैं, डिनर बहुत टेस्टी है, फूड रायता है, पनीर की सब्जी है, पुलाव है और रोटी चावल सब कुछ है, सो बहुत टेस्टी है, बहुत तेज भूख भी लग रही है, तो हम फटाफट से अब खाते हैं, आप देख सकते हो हमारी प्लेट्स को। कैसा लगा खाना? खाना जो है ना भाई एक नंबर की, आजकल मैं आज यहाँ पे वो था फैमिली फेस्टिवल था, तो चक्कर में यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन करा हुआ, जैसे दीप पीछे आपने देखा ही सारी, और ये पीछे बहुत अच्छी दीवार है जिसके ऊपर मेरा बहुत सा फोटो आ रहा होगा, चक्कर मैंने यहाँ से लो मेरा वीडियो, और रात में हम लोग यहीं पे खाना होता है, लंच होता है, डिनर होता है और ब्रेकफास्ट होता है, तीनों चीज़ यहीं पे होती है, टहेंगे यहाँ से खाना खाके फिर जाके ऑर्डर करेंगे, कॉफ़ी उठाएंगे अगर मिलती है तो, क्योंकि थोड़ा रात में थोड़ा सा हम ही लोग रहते हैं बस यहाँ पे काम करने वाले रहेंगे या फिर हम रहेंगे बस, और कोई नहीं रहता, फिर 12:30 बजे निकल जाएंगे आज यहाँ से ऑर्डर करके कम्प्लीट। सो गाइस खाना वाना खा लिया, नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे 9th फ्लोर पे जा रहे हैं 11th फ्लोर से और टेस्टिंग करेंगे, और जब तक कंप्लीट नहीं होगी आज हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तो 12 बजे तो मान के चले अप्रॉक्सिमेट आ रहे हैं कि 12 बजे तक हो जाएगा, 12:30 के आसपास, क्योंकि मेरा सर्वर टेस्टिंग है वो मुझे निपटाना है, रिद्धि की वेब एप्लीकेशन है वो निपटाएगी और फिर जल्दी निकलते हैं। सो अभी ग्राउंड फ्लोर जाना था हमें, मतलब 9th फ्लोर जाना था, ग्राउंड फ्लोर पे चला गया और पूरी पूरी लिफ्ट है, ऑफिस ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर जाते रहेंगे, हमारा टाइम भी हो रहा है भाई बहुत खराब, अब चलेंगे ऑर्डर करते हैं क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर सिर्फ हम 2 ही बचे हैं, ये देखो रिद्धि और मैं जो है डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, रिद्धि किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये कल निकलना है नहीं निकलना, तो एज ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ना हम लोग जो है अभी कल हमारा निकलने का था, निकलने का हो रहा था क्योंकि ना हमारी ऑडिट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली, पर हमें लग नहीं रहा था कि होएगा, सो हाँ अभी एक साइड और बची हुई तो अपन कर लेंगे कंप्लीट, तो हमें लग रहा था कि यार फिर मैंने परसों की ऑडिट करवा ली वो भी कन्फर्म है, पर अभी ये लग रहा है कि ना शायद हो जाएगा अला काम कम्प्लीट, तो फिर ये कि कल वाली ट्रेन नहीं सही ऑलरेडी बुक तो निकल जाएंगे, परसों का टिकट जो है वो कैसे कराना पड़ेगा, और अभी ऑलमोस्ट हो गए कितने 11:30 तो बजी रहे, देखते कब तक रुकते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं अपने ऑडिट क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ था,
सारा एक्चुअल में वीएपीटी में दिक्कत आती है भाई इतनी। और रात के 12:30 बजे के मजे ऑफिस के अंदर, रिद्धि और मैं अकेले यहाँ पे, और रिद्धि क्या पीने में लगी हुई, ओ भाई पी रहा हूँ पूरा पी जाना मेरा बोल के खुद पीना शुरू कर दी। पेपर बोट कहाँ से लाई रिद्धि? यहाँ पे एक मिनी कैंटीन है वहाँ से लेकर आए। और देखिए अभी हमारी टेस्टिंग चालू है और अभी 12:30 बजे और हमने डिसाइड करा है कि हम रात भर नहीं जाने वाले, हम लोग सुबह 7 बजे ही जाएंगे। अब सारा काम अभी जहाँ से हम लोग लेकर आए थे ना इस वाली चीज़ को, तो मतलब एक वो वेंडिंग मशीन होती है, उसमें आप है ना अपना क्यू आर कोड स्कैन करो और डालो कौन सा प्रोडक्ट चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको गिर जाता है। 10 रुपये का डालना तो ले ही नहीं था साला, 3-4 बार डाला लिया ही नहीं 10 रुपये वाली चीज़, तो फिर 20 रुपये डाली ना तो फिर ले लिया उसने। समझ में आया कि भाई यहाँ का वो जो है ना वो भी लोचा करता है कि भाई महंगी चीज़ ही देगा उसे, आपको इसमें आता बहुत कम है यार। और अभी है ना दिमाग थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो रहा है, नींद आ रही है, तो फटाफट अभी थोड़ा सा बूस्टअप कर लेते हैं। ये रिद्धि लाई थी खाकरा, सुबह हमने खाया था या और ख़त्म हो गए, नहीं नहीं मैं लाया था खाकरा, रिद्धि मैं थोड़ी लाई थी। और अभी हमें टेस्टिंग करनी बची हुई है क्योंकि मेरी 5 IP थी, इसका मैंने PT कम्प्लीट कर लिया, रिद्धि की कोई एक वेबसाइट थी वो चल रही है। भाई इतने कम टाइम में बग्स ढूंढना है ना बहुत ट्रिकी बात होती है, और वो परफेक्शन से ही आता है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा कि कम टाइम में कैसे बग निकाले। ये लेस देन वन डे मिल रहा है हमें एक बड़ा सा ARM 400-500 पीस का टेस्ट करने के लिए, उसमें क्रिटिकल बग्स निकालने में, और काफ़ी कुछ हमें मिले भी हैं। तो रिद्धि और मैं जो है एक अभी नई चीज़ पे काम कर रही है, अगर इनके हिसाब से सिक्योर टेस्टिंग के अंदर आपका टूल ना चले तो कैसे अपनी खुद की मेथोलॉजी डेवलप करें और कैसे आप टेस्टिंग करें बिना टूल के, विदाउट टूल के टेस्ट करें, क्योंकि कई बार हमें प्रॉक्सी टूल की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो ज़ैप प्रॉक्सी बर्प सूट इस टाइप की कोई टूल की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग एटलीस्ट कम से कम हमारा जो बेसिक काम है वो कर सकें सिक्योर टेस्टिंग का। पर इनकेस अगर वो काम ना करें, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर काम ना करें साइड पर, बार होता है कि कई बार सॉफ्टवेयर्स नहीं चलते या कई बार सॉफ्टवेयर्स नहीं सपोर्ट करते या मिलते ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि क्या है कि ना कंपनीज के अंदर जो हम लोग है ना साइट की ऑथेंटिकेशन लेते हैं ना वो विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है, सो उस कंडीशन में ब्राउजर में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं उसमें लॉगिन करने में, जिसकी वजह से आपके शायद टूल्स काम ना करें प्रॉक्सी के स्पेशली टूल, तो उस कंडीशन में कैसे आप टेस्ट करें उसके लिए आपको मैनुअल मेथोलॉजी बनानी पड़ती है, जो अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, और उसके बाद हम लोग जो 2 साइट्स हैं उनको टेस्ट करेंगे। सुबह दिख रहा होगा अभी 2 बज रहे हैं और रिद्धि इज आस्किंग कि रिद्धि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करें कि चलें सोने के लिए, रिद्धि को नींद आ रही है। एक्चुअली नींद आ रही है और नींद भी वो मैटर नहीं करती, पर कल सुबह चेकआउट कर देंगे, अभी भी नहीं सो पाए और कल सुबह भी नहीं सो पाए, तो शायद से जो वर्क है उसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। रेस्ट भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए लेट्स सी कि ना करते नहीं करते, नहीं तो 4 बजे निकल जाएंगे, क्या बोलती हो? 4 बजे निकल के क्या करेंगे? अरे रात भर करेंगे फिर, ठीक है या निकल जाए, चलो देखते हैं। हाँ, 2 बज रही है फिलहाल, निकल जाते हैं जिससे फिर सुबह 8-9 बजे तक आ जाए, ट्राई करते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अब हम लोग अपने होटल के लिए निकल रहे हैं। भाई मतलब पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, मतलब सोचने वाली बात है, यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं वो भी चले गए अब तो काम करके, बस हम लोग बचे हुए हैं। और सैटरडे भी ऑफ होता है यहाँ पे, तो हम उस दिन भी आएंगे। और एक्चुअल में दिक्कत ये होगी कि हमारा एक सर्वर जो था वो बंद हो गया और इस चक्कर में हमारा टेस्टिंग जो है वो कल से कल स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आज रात में आज सुबह निमट जाता हमारा 5-6 बजे 6 o'clock तक पूरा हो जाता। चलो ठीक है, फटाफट चलते हैं और अब डायरेक्टली जाएंगे, कैब बुक करेंगे, होटल जाएंगे और फिर सुबह वापस आएंगे। चलो ठीक है, ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये वाला ब्लॉग और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा कि कैसा मतलब किस तरीके से वर्क होता है। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि पूरे ब्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। इस वीडियो लेते नहीं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।